टॉप फाइव बेस्ट मदर बोर्ड फॉर इंटर ट्वेल्थ इस वीडियो में आज हम टॉप फाइव बेस्ट मदर बोर्ड को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं मदर मदरबोर्ड्स को लेकर है बंदा कंफ्यूज हो जाएगा वेट इज़ वाई की जो मैं आपको बोर्ड्स यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ प्रोवाइड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड बजट में यहाँ पर मदरबोर्ड कवर कर लेंगे नाउ थर्टीन चेंट प्रोसेसर हाल ही में लॉन्च हुआ है

एंड ऑन द अदर एंड ओनली बंदा तो यादव डायरेक्टली बी सिक्सटी पर आ जाता है प्राइस इंडिया में ट्वेल्थ जेन के लिए बी सिक्सटी काफी पॉपुलर है नॉन की आई फाइव एंड आई सेवन सीपी इसके लिए परफेक्ट है हाई मेमोरी फ्रीक्वेंसी भी सपोर्ट करता है तो बजट गेमिंग के लिए दिस चिपसेट इज अ नाइस इसके बाद आता है एकदम ही बेसिक मदरबोर्ड सब कुछ यहाँ पे आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा लिमिटेड यूएसबी पोर्ट्स लिमिटेड पीसीआई ओनली मेमोरी सो एकदम यहाँ पर कह सकते हैं I3 के लिए ये एक सही है। तो जिसका एकदम टाइट बजट है आयथ्री के साथ ही उसको पेयर करना है उसके लिए ये एक बजट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है ना अब ये आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आपको क्लॉकिंग चाहिए आपको कितने यूएसबी पोर्ट पीसी की रिक्वायरमेंट है इस वीडियो में मैं हर टाइप का और बजट का बोर्ड को कवर करने की कोशिश करूंगा सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट प्राइम बोर्डी फोर ये सबसे बजट फ्रेंडली एंड बेसिक सा बोर्ड है सत्रह सो सॉकेट का सपोर्ट एंड ट्वेल्थीन जन इंटेल प्रोसेसर बट क्योंकि अभी हाल ही में थर्टीन जन लॉन्च हुई है तो ये जरूर से कंफर्म कर लेना कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स थर्टीन जन सी पी यू सपोर्ट इसमें मिलता है या नहीं Slots भी है, तो NVMe SSD कर सकते हैं बैक साइड पर बेसिक आईओ पोर्स यूज रिपोर्ट एंड ऑल दैट आर लिमिटेड सो ओवरऑल ये एक बेसिक सा मदर बोर्ड है ओवर क्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है

हाँ इसका मतलब है कि भाई ओके okay वाला पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बट कैन स्टिल हैंडल एन आयन एन प्रोसेसर बट सही में बैर मत कर देना क्योंकि भाई वीआरएम आर टेम्स इन दिस बोर्ड आर बिट हाई एज कम्पेयर टू अवर अदर बोर्ड्स इन दिस प्राइस सेगमेंट खैर ऑन बोर्ड पर लो बजट रियलटेक टेक ए एट नाइनटी सेवन ऑडियो कोडेक मिल जाता है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा और बैटरी यहाँ पे मिल सकता था एनिवे टू एम डो टू स्लॉट्स है वेरी फर्स्ट री इनफोर्ड पी सी आई फोर पॉइंट जीरो फॉर ग्राफिक्स कार्ड उसके नीचे सिंगल एंड पीसीआई के लिए एंड वन मोर पी सी आई थ्री पॉइंट जीरो एट बॉटम फॉर कैप्चर कार्ड साउंड कार्ड वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं रही बात आईओ पोर्ट्स की तो फोर यू एस बी थ्री पॉइंट टू टू एस बी टू पॉइंटी का इथरनेट एंड थ्री ऑडियर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो so, ओवरऑल ये एक एंट्री लेवल बी सिक्सटी बोर्ड है आई थ्री आई फाई के लिए इनफ है एंड रैम वर्किंग वगैरह भी कर सकते हैं सो so, यस yes, इस प्राइस रेंज में आई फाई ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन फोर हंड्रेड वगैरह सी पी यूज के लिए ये बोर्ड एक डिसेंट चॉइस ही है एंड यस yes, इस सेम प्राइस रेंज में एक और अल्टरनेटिव भी यहाँ पर अवेलेबल है दोनों बोर्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं ऑलराइट नाउ right, आते हैं थोड़ा फीचर रिच मिड बजट बोर्ड पे MSI Mac B660 Motor, ये भी B60 चिपसेट का बोर्ड है बट हेज डिजाइन देन स्ट्रॉन्गर प्रीवियस आपको बेटर देखने को मिलेंगे एंड वाइज भी ये काफी प्रीमियम सा दिखता है खैर पे मिल जाते हैं विद अप टू वन टी एट जीबी फोर फोर्टीड्स ऑन बोर्ड पर पीसीआई जीरो मिल जाता है ग्राफिक्स कार्ड के लिए सिंगल लेन पीसीआई स्लॉट And an 16 अगर आपको या के लिए चाहिए तो दो तो एम टू स्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं एस डी वगैरह के लिए सिक्स यहाँ पे पोर्ट्स है एंड हैजेंट ऑडियो कार्ड है कम्पेयर टू अवर लास्ट पोर्ट रही बात बैक साइड की तो बैक साइड पर फोर यूएस थ्री पॉइंट टू टू एस टू पॉइंट जीरो डीपीएन एच डी माई पोर्ट्स टू पॉइंट फाइव जीबीड पोर्ट एंड सिक्स ऑडियो ऑडियोजेक्ट यहाँ पे मिल जाता है प्लस फ्रंट साइड में भी अपू फोर यूएस बी टू पॉइंट जीरो एंड थ्री एस बी थ्री पॉइंट टू का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है तो सफिशियंट आईओ पोर्ट्स है एंड यस yes, इससे थोड़ा सा लो प्राइस में गीका पाइट बी सिक्सटी और बेसिकली उसमें चार साठा पोर्ट्स एंड सिंगल पीस ए फोर पॉइंट जीरो स्लॉट मिल जाता है बट हैज ए लॉट हाई रैम फ्रिक्वेंसी तो अगर आपको ज्यादा स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप गीका के बोर्ड को भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे Now, आते हैं, चिपसेट पर यहां पे है and has more than चिपसेट. का मैं सजेस्ट करने वाला हूं, which is the best value here. बात कर रहा हूं मैं MSI प्रो जी सिक्स ए की इट्स अपन ट्वेंटी रैम ऑनबोर्ड पर

एंड यही सारे फीचर्स है जी सिक्स हंड्रेड जिप सेट के नाम इस बोर्ड पर आई फाइ ट के या इवन थर्टीन सिक्स के को फुल पोटेंशियल पर कर सकते दिस बोर्ड इज कैपेबल ऑफ इट मेरे हिसाब से आई फाइ थर्टीन सिक्स हंड्रेड केंड्रेड के को इस बोर्ड के साथ पैक करना है। एक है गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी यूज के लिए नाउ right, आते हैं अपने लास्ट मदर बोर्ड पर जो की फ्लेक्शिप लेवल बोर्ड है फ्रॉम एजुस एजूस प्रो आर्ट बी सिक्स डी फॉर इट्स

एनी वे बी सिक्सटी क्रिएटेडी एक्स फॉर्म फैक्टर का बोर्ड है इट है सिंगल लेन मिल जाता है बगल में थ्री एम डॉ टू स्लॉट्स भी मिल जाता है ऑफ विच टू हेज हेडसेट्स एंड फोर साफ पोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं रियल पॉइंट सेवन पॉइंट वन साउंड साउंड भी मिल जाता है तो कह सकते हैं फॉर द प्राइस रेंज ठीक ठाक से यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिए जा रहे हैं बैक पैनल में डिस्प्ले के लिए एच डी पोर्ट्स, टीपी USB फोर यूएस बी थ्री पॉइंट टू फोर यूएस बी टू पॉइंट जीरो वन यूएस बी टाइप से सिक्स वन गीगा एंड वन टू पॉइंट फाइव जीबी लैंड पोर्ट मिल जाते हैं यस yes, दो लैंड पोर्ट इस बोर्ड में मिल जाते हैं मदरबोर्ड काफी प्रीमियम है ज टू वी आर एम हेडसिंग जिसकी वजह से काफी एफिशिएंट यहाँ पे मिलती है सो so, मेरे हिसाब से वर्क स्टेशन यूज लाइक वीडियो एडिटिंग एनिमेशन जैसे काफी प्रोड्यूस होती है ऐसे में मदरबोर्ड बोर्ड परफॉर्म वेल अगर आपको प्रीमियम हैवी लोड के लिए एक डिसेंट बोर्ड चाहिए आप काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं तो भाई ये थे ट्वेल्थ एंड थर्टीन चेन के लिए टॉप फाइव बेस्ट मदर बोर्ड्स अपने नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं हैवी यूसेज एंड ओवर के लिए लास्ट के दो बोर्ड्स ठीक है सी पी ओवर सिर्फ सी सीरीज के मदर बोर्ड में ही सपोर्ट करती है ऑफकोर्स विथ के सीरीज प्रोसेसर अब अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे से कोई बोर्ड मिस हो गया हो जो सही में काफ़ी अच्छी वैल्यू निकालता है तो उसे भी आप जरा कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा ठीक है बाकी बचे 700 सीरीज के अपकमिंग वैल्यू बोर्ड्स को मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा साथ ही सभी बोर्ड्स जो हमने इधर डिस्कस किए उनकी बेस्ट बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नाउ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना इस तरह के पीस रिलेटेड हार्ड वीडियो हमारे चैनल अपलोड होती रहती है सो इफ इंटरेस्ट है चैनल को चेकआउट कर सब्सक्राइब प्रेस कर दे तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद